अस्सलाम वालेकुम। CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2, इसका आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ, उसमें आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं। तो ध्यान से, अगर आपने कोई भी ABC या कुछ भी नंबर लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 16 नंबर की असाइनमेंट है, असाइनमेंट को ध्यान से कर लें। ये आपको 14 जो हैं वो टर्म्स दी हुई हैं, 14 टर्म्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। नंबर वन जो है वो आप यहाँ पर आके अर्नड वैल्यू एनालिसिस की जगह पे इसका नंबर लिखोगे, 6 आई थिंक सो 6। ये 6 लिखना है आपने यहाँ पे। अगर किसी ने अर्नड वैल्यू लिखा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्यों है? क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो रही है प्रोग्रेस की, तो ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस है। नेक्स्ट वन अडाप्टेशन क्राइटेरिया है, ये टास्क भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं, अडाप्टेशन क्राइटेरिया और टास्क सेट। टू डिसाइड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ द मोस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ अडाप्टेशन क्राइटेरिया जो है वो बाद में आता है, पहले टास्क सेट आता है। तो यहाँ पे अडाप्टेशन क्राइटेरिया इसीलिए है कि पहले हम जो है वो प्रोजेक्ट की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे। तो अडाप्टेशन क्राइटेरिया के प्रोसेस मॉडल कौन सा चूज़ करना है, तो अडाप्टेशन क्राइटेरिया 3 है, तो आप यहाँ पे आके 3 लिखेंगे। दिस वन इज़ द नेक्स्ट वन, टाइम बॉक्सिंग है, नंबर ही लिखना है। बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने गलत किया तो अगर आपने अल्फ़ाबेट लिया 0 मार्क्स मिलने हैं। टू अश्योर द प्रोग्रेस, तो टाइम बॉक्सिंग इसका आंसर है। यहाँ पर कुछ लिमिट है, तो लिमिट और वैन टू रीच वर्क स्टॉप्स करंट टास्क, तो कुछ वर्ड है। ये पूरा फिक्रा ना गूगल पे है ना ही हैंड आउट्स में है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्च टाइम बॉक्सिंग के पैराग्राफ में आकर अगर देखें तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आपको बता सकते हैं कि ये टाइम बॉक्सिंग के रिलेटेड है। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और टाइम बॉक्सिंग आप इसको भी चेक कर सकते हैं। टाइमलाइन चार्ट है। नेक्स्ट, टाइम बॉक्सिंग का नंबर लिखना है। टाइम बॉक्सिंग का नंबर है जी 9, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 9। इसी तरह ही टाइमलाइन चार्ट है। टाइमलाइन चार्ट ये बड़ा सिंपल सा होता है, गैंट चार्ट के रिलेटेड होता है ये। इसमें उसी तरह का है जैसे 619 वालों का प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी टाइमलाइन चार्ट बनाना होता है। उसमें बताना होता है कि कब टास्क पूरे हो रहे हैं। तो टास्क लिंकेज और ओवरलैपिंग और इस तरह कुछ वर्ड हैं जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो टाइमलाइन चार्ट आप इसको बताएंगे यहाँ पे। टाइमलाइन चार्ट का जो नंबर होगा वो आप देख के आएंगे। टाइमलाइन चार्ट नंबर 5 पे है जी, तो इसको आप नंबर 5 लिखोगे। उसके बाद फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी होता है क्या मुमकिन है, बनेगा कि नहीं। इट हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर टू सर्टेन सिचुएशन टू मेक वाइज डिसीजन। द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मे नॉट लीड टू इट्स क्राइसिस। तो ये फिजिबिलिटी चेक करना प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही होता है, और के जी बजट और स्केड्यूल्स और ऑपरेशनल टीम, उन सबको एनालाइज किया जाता है। नंबर लिखेंगे जी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट का आप लोग जो है वो नंबर 1, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आप 1 लिख लें। इस तरह सबके अब नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट मैंने नंबर नहीं लिखने, खुदारा ध्यान से नंबरिंग कर दीजिएगा। टास्क सेट है नेक्स्ट वाइल डिसाइडिंग, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे वर्ड भी आया हुआ है टास्क सेट, तो इसको आप थोड़ा बहुत और सर्च करेंगे। अडाप्टेशन क्राइटेरिया, तो ये बहुत ही क्लोज टर्म्स हैं जिनको आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तब समझ आएगी। नेक्स्ट वन स्टैटिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट्स एंड ट्राई टू अनकवर द रूट, तो ये अनकवर जो है वो के जो एरर्स हैं उनको अनकवर किया जाए, डिफेक्ट्स को ढूंढा जाए और फिर उनको फिगर्स में बताया जाए, तो वो स्टैटिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। टाइम फ्लॉट जो है ये जब हम एक नेटवर्क डायग्राम को देखते हैं उसके अंदर इसको क्लोजली देखा जाता है। टाइम फ्लोट वो टाइम रह जाता है जो डिफरेंस आता है स्टार्टिंग एक्टिविटी और एंडिंग एक्टिविटी के दरमियान, उसको टाइम फ्लोट बोलते हैं।
मैंने तो काफ़ी सारा ये कैलकुलेशंस किए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो फ्लोट, स्टार्ट और एंड और इस तरह के टाइम्स होते हैं, वो चार्ट बनाना होता है, उसके अंदर आप ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह ही है, नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जब आ रहे होंगे तो वो टाइम फ्लोट की तरफ जाएगा। इसमें तीन चार टर्म्स होती हैं टाइम के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल है, जो कि रिक्वायर्ड चेंजेस को, यूजफुलनेस को चेक करेगा, फीडबैक देगा डिफरेंट यूज़र के। तो क्वालिटी कंट्रोल इसका आंसर है, नंबर लिखना है क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी कंट्रोल नहीं लिखना। नेक्स्ट वन एरर ट्रैकिंग है, एरर ट्रैक करने हैं तो डिफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करंट स्टेट प्रोग्रेस फॉर द डिफेक्ट्स विद इन द डिज़ाइन। तो आपने उनको डिटेक्ट करना है और उसके लिए एरर ट्रैकिंग यूज़ होगा। नेक्स्ट वन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस ग्रुप, और इसका भी आप नंबर लिखोगे, इस तरह नहीं लिखोगे अल्फाबेटिकली। टू चेक द डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इम्प्रूव वाइल एरर्स आर रिड्यूस। तो जब आप एरर्स को चेक करने की बात करते हैं कि एरर्स कम हो गए हैं, एरर्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो ये क्वालिटी इश्योरेंस वालों का काम है, तो उस चीज़ को देखना होता है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब रिव्यू किया जाता है चीज़ों को कैरी, और फॉर्मल रिव्यूज़ जो हैं ये लीगल, मतलब जैसे कोई चीज़ को लाजमी चेक करना होता है और उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। राइट, वाट एवर द एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट रिक्वायरिंग एनी चेंजेस। तो टेक्निकल रिव्यूज़ इसका है, और ब्लंडर्स को देखा जाता है इसके अंदर। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, ए मेजर ऑफ एबिलिटी टू डेवलपर टू गेट रिड ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बिफोर एनी रिपोर्ट बाय द यूज़र एंड इट्स डिप्लॉयमेंट। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी DRE चाहिए होता है, कि पता हो, पहले से ही पता हो। इसमें कुछ वर्ड गो थ्रूज आर है, वॉक थ्रू के, रिव्यू ऑफ अ क्वालिटी इश्योरेंस वायर, ऑथर गाइड डेवलपमेंट टीम मेंबर टू गो थ्रू द प्रोजेक्ट एंड रेज क्यूरीज अबाउट एनी पॉसिबल इशू। सो वॉक थ्रू अगेन क्वालिटी को आप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि दोबारा से उसके अंदर से बार बार एंट्री की जाए, बार बार फंक्शंस को चेक किया जाए, गो थ्रू किया जाए सिस्टम को, वन एंड टू अनदर एंड, बारी बारी सारे लोग। तो गो थ्रू, वॉक थ्रू इसके अंदर है। नेक्स्ट वन एरर ट्रैकिंग है, वी यूज़ इट फर्स्टली टू रिकगनाइज द प्रॉब्लम इन द रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन एंड द सोर्स कोड, टू लुक इट्स सोल्यूशन, टू नॉर्मलाइज देम। तो एरर्स को ढूंढना है सोर्स कोड और डिज़ाइन के अंदर, तो फिर वो एरर ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं हम, और स्पेशली जब सोर्स कोड की बात हो रही है। उसके बाद फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है आखिरी का, तो दो दफ़ा फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है, टू वेरीफाई द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर मीटिंग रिक्वायर्ड, नॉट टू मेक श्योर दैट इट डिवेल्प अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। तो ये टीम ने बताना होता है कि जो आपको रूल्स बताए थे उनके मुताबिक बनाया कि नहीं बताया बनाया, तो उस चीज़ को आपने देखना। नंबर लिखने हैं ये देख लें, राइट एनी अल्फ़ाबेट करेक्टर इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स यू विल गेट 0। तो यहाँ पे आपने इन सब के नंबरिंग करनी है वहाँ से देख के, तब आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल होगी। ओके, आई होप सो आप को बात समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।